हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन इन सी लैंग्वेज। सो व्हाट इज ए फंक्शन, ये मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस पार्ट में। तो आज हम देखते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। सो यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये वो फंक्शन होते हैं जो यूजर अपनी नीड के अनुसार क्रिएट करता है। मतलब दोज फंक्शन विच आर क्रिएटेड बाई सी प्रोग्रामर इट सेल्फ इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। मतलब हम अपनी नीड के अनुसार जिस फंक्शन को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। ऐसे फंक्शन का एक सिंटेक्स रहता है। तो व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, सिंटेक्स क्या है, देखिए, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड देन आर्ग्यूमेंट लिस्ट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, ओपन सेट ऑफ स्टेटमेंट या जिसको हम ब्लॉक ऑफ कोड भी बोलते हैं एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लॉज। ध्यान से देखेंगे, रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप का मतलब ये होता है कि फंक्शन किस तरीके की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है वो। फंक्शन नेम, फंक्शन का नेम क्या रखा जाना है वो। एंड देन ये फंक्शन किन इनपुट पर, किस किस इनपुट पर काम करेगा, उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट लिस्ट। ठीक है, उन आर्गुमेंट लिस्ट के बेस पर जो काम होना है उसको हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ कोड बोलते हैं। तो देखिए क्या लिखा गया, वेयर रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप सच एज इंटीजर, डबल, करेक्टर, वॉइड, शॉर्ट एटसेट्रा। फंक्शन का जो रिटर्न है वो कुछ भी हो सकता है, जिसको हम इंटीजर भी बोल सकते हैं, डबल भी बोल सकते हैं, करेक्टर भी बोल सकते हैं, वॉइड भी बोल सकते हैं, शॉर्ट भी बोल सकते हैं, एटसेट्रा। मतलब किसी फंक्शन को जिसको हमने बनाया है, जब हम उस फंक्शन से कोई काम कराएंगे तो हो सकता है कि वो फंक्शन किसी वैल्यू को रिटर्न करे। तो वो जो रिटर्न वैल्यू होगी वो कैसी होगी, या तो इंटीजर टाइप की होगी, या करेक्टर टाइप की होगी, या डबल टाइप की हो सकती है, या वॉइड टाइप की हो सकती है। ओके, नाउ फंक्शन नेम, इट कैन बी एनीथिंग। However, it is advised to have a meaningful name for the function so that it would be easy to understand the purpose of function just by seeing its name. मतलब आप जो इस सिंटेक्स में ये वाला जो लाइन लिख रहे हो, ये वाला जो वर्ड लिख रहे हो, फंक्शन नेम, ये फंक्शन नेम वो है जो वर्क आप अपने प्रोग्राम में करना चाहते हो। जिस तरीके का वर्क है उसी तरीके का कुछ मिलता जुलता नाम हम अपने फंक्शन का रखते हैं। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे एक प्रोग्राम में कि हम कैसे इन फंक्शन को क्रिएट करते हैं, क्या नाम रखेंगे। ओके, नाउ आर्गुमेंट लिस्ट, ये मैं आपको बता चुका हूँ, आर्गुमेंट लिस्ट कंटेन्स वेरिएबल्स नेम्स अलोंग विद देयर डेटा टाइप्स, दीज आर्गुमेंट्स आर काइंड ऑफ इनपुट्स फॉर द फंक्शन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, देखिए, ये दीज आर्गुमेंट्स आर काइंड ऑफ इनपुट्स फॉर द फंक्शन। जो आर्गुमेंट लिस्ट हम फंक्शन के अंदर पास कराते हैं वो उस फंक्शन के क्या बन जाते हैं, इनपुट्स बन जाते हैं भैया, कि वो फंक्शन किस वेरिएबल पर काम करेगा, जिन वेरिएबल पर वो काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट लिस्ट बोलते हैं। ओके, नाउ ब्लॉक ऑफ कोड, तो सेट ऑफ सी स्टेटमेंट विच विल एग्जीक्यूटेड वेन एवर ए कॉल विल बी मेड टू द फंक्शन। मतलब जब हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं कि ये अपना काम करे, तो वो क्या काम करेगा, तो काम करेगा वो सेट ऑफ स्टेटमेंट में, कुछ यहाँ पर वर्किंग लिखा हुआ होगा, वो कुछ काम कर रहा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड बोलते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं फंक्शन करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सिंटेक्स के बारे में, ये सिंटेक्स के बारे में जो आपको समझाया गया है, इसका एक अभी छोटा सा प्रोग्राम आएगा, उस प्रोग्राम की हेल्प से फिर दोबारा हम समझेंगे क्या है। ठीक है, तो उस एग्जाम्पल को समझने से पहले हम समझते हैं थोड़ा सा फंक्शन करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देखिए, देयर आर थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ ए सी फंक्शन। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं एक फंक्शन के। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन का मतलब फंक्शन को डिक्लेयर करिए। डिक्लेयर करने का मतलब ये होता है, जो हमने अभी सिंटेक्स पढ़ा है तो उस सिंटेक्स में पढ़ा है कि फंक्शन का नाम बताइए क्या है, फंक्शन किन आर्ग्यूमेंट पर काम करेगा वो बताइए, फंक्शन किस तरीके की वैल्यू को रिटर्न करेगा वो बताइए, उस चीज को हम बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ए फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर्ड ग्लोबली इन ए सी प्रोग्राम टू टेल द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम,
फंक्शन पैरामीटर एंड देन रिटर्न टाइप। देखिए मैंने आपको बताया था फंक्शन के नेम, फंक्शन का पैरामीटर एंड देन फंक्शन का रिटर्न टाइप। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी ना। दूसरा फंक्शन कॉल। देखिए जब हम फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है ना, फंक्शन का नाम बना दिया, तो अब सेकंड क्या काम आता है, कॉलिंग का, कि आप उस फंक्शन को किस नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो जिस नाम से पुकारेंगे तो वो फंक्शन उसी नाम से काम करेगा। ठीक है, तो फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनी वेयर इन द प्रोग्राम, मतलब हम अपने प्रोग्राम में उस फंक्शन को कहीं भी कॉल कर सकते हैं। द पैरामीटर लिस्ट मस्ट नॉट डिफरेंट इन द फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। द इम्पोर्ट पैरामीटर लिस्ट मस्ट नॉट डिफर इन द फंक्शन कॉलिंग एंड द फंक्शन डिक्लेरेशन। जिस समय फंक्शन डिक्लेयर हमने किया था उस समय कुछ पैरामीटर हमने पास कराए थे, तो जो सीक्वेंस पैरामीटर में था, जो सीक्वेंस हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन में था, वही सीक्वेंस हमारा फंक्शन कॉलिंग में होना चाहिए। वो सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हम चेंज कर देते हैं तो हमारा फंक्शन जो है काम तो करेगा, लेकिन वो आउट सही से नहीं आएगा। तो तीसरा जो आता है फंक्शन डेफिनेशन आता है। देखिए फंक्शन डिक्लेरेशन ना लगे, फंक्शन डेफिनेशन ना लगे। फंक्शन डेफिनेशन में हम क्या काम करते हैं, फंक्शन डेफिनेशन में हम काम फंक्शन से करवाते हैं कि ये फंक्शन किस तरीके का काम करेगा। जिस तरीके का काम है वो वर्किंग हम इस फंक्शन डेफिनेशन में लिखी जाती है। ठीक है, तो इट कंटेन्स द एक्चुअल स्टेटमेंट विच आर टू बी एग्जीक्यूटेड। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू विच द कंट्रोल कम्स व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। हेयर वी मस्ट नोटिस दैट ओनली वन वैल्यू कैन बी रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वी मस्ट नोटिस दैट ओनली वन वैल्यू कैन बी रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। फंक्शन हमेशा एक ही वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है, तो देखिए हमने आपको बताया कि जब आप फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन को आप अपने प्रोग्राम में यूज करोगे, तो यूज करने से पहले हम फंक्शन के करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। क्या कि फंक्शन को हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा पहला काम, फिर फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, और तीसरा काम फिर फंक्शन की डेफिनेशन हमें लिखनी पड़ेगी। इसको अगर सिंपल से शब्दों में हम सब समझें तो ये कैसे हो सकता है, जैसे आपके घर में कोई न्यू बेबी ने जन्म लिया हो, तो सबसे पहले आप क्या काम करते हैं, उस बच्चे का नामकरण करवाते हैं। किस बच्चे को किस नाम से पुकारेंगे, तो आपने उसका क्या रख दिया है, नाम लिख दिया है या नाम रख दिया है। ठीक है, फिर जब आप उस नाम को पुकारते हो तो वो बच्चा आपकी बात सुनता है कि मेरा नाम पुकारा गया, यानी मेरे को किसी ने बुलाया है। ठीक है, तो हमने उसका नामकरण किया पहला काम, दूसरा उसको बुलाया उसके नाम से, तो वो बच्चा आपके पास आ जाता है। जब वो बच्चा आपके पास आ जाता है तो आप उसको क्या करते हो, वर्क असाइन करते हो कि आपको ये काम करना है, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन, यानी वो फंक्शन अब काम क्या करेगा। तो जैसे आपने बच्चे का नाम रखा, फिर बच्चे को आपने बुलाया, और फिर आपने उससे कहा कि चलो एक गिलास पानी लेके आओ, तो आपने उसको वर्क असाइन कर दिया, अब वो बच्चा एक गिलास पानी आपके लिए लेके आएगा। ओके, तो ऐसे ही हमारा फंक्शन होता है। फंक्शन का डिक्लेयर करिए, फंक्शन को कॉल करिए और फंक्शन से काम करवाइए। ठीक है, ये तीन चीज ना। अब एक चीज और समझते हैं, जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, तो कॉलिंग जो है, उस फंक्शन की कॉलिंग जो है वो चार तरीके से की जा सकती है। कितने तरीके से की जा सकती है, चार तरीके से। पहला, फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, मतलब फंक्शन के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है और उस फंक्शन से हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवाना चाहते। पहला काम तो ये। ठीक है, दूसरा, फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, फंक्शन के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है और फंक्शन से हम क्या कह रहे हैं, एक वैल्यू रिटर्न करेगा। तीसरा, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट, फंक्शन के अंदर अब आर्ग्यूमेंट हैं बट हम ये कह रहे हैं कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। और नेक्स्ट है फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू, फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट भी होंगे और फंक्शन वैल्यू को भी रिटर्न करेगा। समझिए, जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो फंक्शन चार तरीके से कॉल हो सकता है। पहला, फंक्शन के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे और फंक्शन से कहेंगे आपको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी। दूसरा, फंक्शन के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कराएंगे लेकिन फंक्शन से कहेंगे कि आपको एक वैल्यू प्रोवाइड करनी है, रिटर्न करनी है। तीसरा,
फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट पास कराएंगे और फंक्शन सिखाएंगे कि आपके अंदर आर्गुमेंट है, हमने आपको आर्गुमेंट पास कराए हैं लेकिन आप कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करोगे। और फोर्थ, फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट भी पास कराएंगे और फंक्शन से ये कहेंगे कि आपको वैल्यू भी रिटर्न करनी है। तो ये जो बच्चों आप समझ रहे हैं, आइए समझते हैं इसका एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, पहला ले रहे हैं फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। फंक्शन के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं और फंक्शन किसी तरीके की वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तो देखिए एक छोटा सा कोड है, हमने इस प्रोग्राम में क्या काम किया है, हमने इस प्रोग्राम में दो नंबरों का क्या लिखा है, एडिशन कराया, दो नंबरों का सम कराया। सपोज दैट एक नंबर है ए, दूसरा नंबर है बी, दोनों का एडिशन हो जाए, लेकिन किसकी हेल्प से हो, यूजर डिफाइंड फंक्शन की हेल्प से हो। ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या सी की लाइब्रेरी में क्या एडिशन नाम का कोई फंक्शन है जो ऐड करने का काम करता हो। जैसे हमने एस क्यू आर टी नाम का फंक्शन देखा कि हाँ वो ये स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करता है। ठीक है, जैसे प्रिंट एफ फंक्शन है, चलो ये प्रिंटिंग का काम करता है। जैसे हमने पढ़ा सी एल आर एस सी आर फंक्शन, तो ये स्क्रीन को क्लियर करने का काम करता। तो क्या ऐसे ही हमारी लाइब्रेरी में क्या एडिंग के लिए कोई फंक्शन अवेलेबल है? आप कहोगे जी नहीं। तो हम क्या काम करते हैं, एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो एडिंग का काम करेगा। तो ऐसा फंक्शन कैसे बनेगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन की हेल्प से बनेगा। तो मैंने आपको समझाया था कि यूजर डिफाइंड फंक्शन को बनाने के लिए तीन स्टेप में काम करना पड़ता है, पहला फंक्शन का नामकरण, दूसरा फंक्शन की कॉलिंग, तीसरा फंक्शन की डेफिनेशन। तो आइए समझते हैं। देखिए क्या लिखा, हैस इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, ये लिखा गया हैस इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है इंटीजर मेन, फिर उसके बाद लिखा है वॉइड सम। अब देखिए ये लाइन जो है, ये लाइन ध्यान से समझिए क्या लिखा है, वॉइड सम। तो जब आप इसको देख रहे हैं वॉइड सम को, तो सम जो है एक कैसा है, फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, यूजर ने नाम रखा है, इसके अंदर कोई आर्गुमेंट पास नहीं कराया है और इस फंक्शन से ये कह दिया कि कोई भी वैल्यू आपको रिटर्न नहीं करानी। जिस समय किसी फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करानी होती तो उसके सामने क्या लिख देते हैं हम, वॉइड लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, वॉइड। ठीक है, ये बात आप मेरी समझ चुके होंगे। क्या कहा मैंने, ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है बेटा, कौन सी वाली लाइन, ये वाली लाइन, यहाँ पर पेन नहीं आ रहा मेरा, चलो कोई बात नहीं आ रहा। तो हाँ, ये वाली जो लाइन है वॉइड सम, ये कहती है कि सम नाम का एक फंक्शन है जो यूजर डिफाइंड है, इसके अंदर कोई आर्गुमेंट पास नहीं है और ये किसी तरीके की वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, पहला काम हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन। इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन डिक्लेरेशन, क्या कहेंगे इसको, फंक्शन डिक्लेरेशन। आप यहाँ पर एरो लगा करके अपने एग्जाम में लिख के आएंगे, दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन। ओके, नाउ दूसरा, जब हमने नाम रख दिया तो अब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो देखिए फंक्शन का नाम क्या है, सम, तो सम नाम के फंक्शन को कॉल किया गया सेकेंड लाइन में। यहाँ पर, यहाँ भी आप एरो लगा करके क्या लिखेंगे, दिस इज कॉलिंग फंक्शन, फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। अब बात समझिए, जब किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो वो अपने तीसरे स्टेप पर जाता है। तीसरा स्टेप क्या आता है इसका, फंक्शन की डेफिनेशन। तो ये सीधे यहाँ से कहाँ जाएगा, अपनी डेफिनेशन पर यहाँ पर आ जाएगा। ओके, कहाँ जाएगा, यहाँ से सीधे सीधे लौट के अपनी डेफिनेशन पर यहाँ पर आएगा। अब डेफिनेशन में क्या लिखते हैं, डेफिनेशन में लिखते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। तो फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे लिखा हुआ था, वॉइड सम, तो वैसे ही लिखा वॉइड सम, बट यहाँ पर डेफिनेशन में सेमी कोलन नहीं लगाते। सेमी कोलन अगर आप यहाँ पर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा, जबकि हमें टर्मिनेट नहीं कराना, इससे काम करवाना है। तो देखिए इसके अंदर क्या रखा है हमने, इंटीजर एक्स वाई और जेड तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए। कैसे, एक्स है वाई है और जेड है, ये कैसे हैं इंटीजर टाइप के। पहले की वैल्यू क्या दी गई है, एक्स इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो यानी एक्स की वैल्यू 10 रख दी गई, वाई की वैल्यू 20 रख दी गई और दोनों को ऐड कर दिया गया। कैसे, एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई का आंसर किस में रखा है, जेड में, और जेड को हम क्या करा रहे हैं यहाँ पर, प्रिंट, प्रिंट एफ एडिशन एज परसेंट डी एंड देन जेड। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो रन करने के बाद इसका आउटपुट क्या दिखाई देगा आपको, ये दिखाई देगा, एडिशन इज 30। ओके,
यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके कि ये चलेगा कैसे, कैसे हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं आपको इसको बना के दिखाता हूँ। चलिए देखिए, ये प्रोग्राम हम बना रहे हैं GCC इन्वायरमेंट पर, उबंटू पर, ये विंडोज़ के ऊपर नहीं है। तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, लेकिन समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं एडिटर ओपन करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ फाइल का नाम s1.c लिख दिया मैंने। ठीक है, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर ही ओपन कर दिया, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब फंक्शन देखिए बना रहे हैं, वही दो नंबरों का एडिशन कराना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हैश इंक्लूड, हैश इंक्लूड stdio.h इस तरीके से। फिर मैंने यहाँ पर लिखा इंटीजर, इंटीजर मेन, ऐसे आप वॉइड मेन भी लिख सकते हैं, जिसे आपने अपने टर्बो सी में वॉइड मेन भी लिखते हैं, आप वहाँ पर ये भी लिखते हैं हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ठीक है, तो मैं GCC कंपाइलर पर इसको लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर इंटीजर मेन लिखते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर मैं फंक्शन का डिक्लेरेशन करूँगा। तो मेरा फंक्शन किस नाम से था कि सर, मेरा फंक्शन नाम था सम नाम से, और इस सम नाम के फंक्शन के अंदर कोई आर्गुमेंट पास नहीं है। देखो, सम नाम के अंदर कोई आर्गुमेंट पास नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और ये फंक्शन किसी तरीके की वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, तो इसके आगे क्या लिख देते हैं, वॉइड लिख देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फंक्शन का, क्या हो गया, ये फंक्शन का डिक्लेरेशन। ठीक है, क्या हो गया, ये फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, नाउ सेकंड काम क्या करना है, फंक्शन को कॉलिंग करना है। तो फंक्शन किस नाम से बना हुआ था, सम नाम से, तो फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, और जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो कहाँ जाता है बच्चों, सीधे कहाँ चला जाता है, सीधे जाता है अपनी अपनी डेफिनेशन पर। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पर, देखिए डेफिनेशन क्या है, वॉइड सम, ऐसे करके। ठीक है, डेफिनेशन ऐसे करके इसकी डेफिनेशन लिखी जाएगी यहाँ पर। अब देखिए, प्रोग्राम को मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, वॉइड सम, और इसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ रिटर्न 0, ऐसे करके लिख देता हूँ, फंक्शन को यहीं पर क्लोज करा देता हूँ। पूरा प्रोग्राम हो गया, बस क्या रह गया लिखने से, फंक्शन का डिक्लेरेशन हमने कर दिया, फंक्शन की कॉलिंग कर दी, फंक्शन का क्या रह गया, ये डेफिनेशन। तो डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पर, इंटीजर मैंने लिखा एक्स कोमा वाई कोमा जेड, तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। एक्स की वैल्यू क्या ले ली मैंने, 10। ठीक है, वाई की वैल्यू मैंने ले ली सपोज दैट, चलो 30। एंड देन जेड इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा, एक्स प्लस वाई। एंड देन यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट करिए, प्रिंट एफ, किसको प्रिंट करिए भाई, एडिशन को, एडिशन इज इक्वल टू परसेंट डी। एंड देन क्या लिखेंगे आप, जेड को, क्योंकि उनका आंसर किस में आया है, जेड में आया है। ठीक है, इस तरीके से मैंने कर दिया, पूरा प्रोग्राम हो गया। बस अब इस प्रोग्राम को आप सेव करिए और रन करके देखते हैं। मैंने इस प्रोग्राम को किया सेव, सेव पर क्लिक करके यहाँ से इसको कर दिया क्लोज। प्रोग्राम का नाम क्या था, s1.c। यहीं पर आगे हम लिखते हैं gcc, यहाँ पर लिखते हैं s1.c-o और फिर फंक्शन प्रोग्राम का नाम s1। हमारा प्रोग्राम हो चुका कंपाइल, कोई एरर नहीं आई, रन कराते हैं /s1 से एंड देन एंटर करते हैं। तो देखिए, जैसे आपने एंटर किया, यहाँ पर आपको लिखा हुआ क्या आ रहा होगा, एडिशन इज इक्वल टू 40, ये आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ था भाई, ये लिखा था एक्स, एक्स की वैल्यू 10 थी और वाई की वैल्यू 30 थी। तो 30 और 10 आपस में जुड़े, तो एडिशन इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 30 आ गया, 40 आ गया। ओके, चलो अगर आप यहाँ पर लाइन चेंज कराना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो प्रिंट एफ ऐसे करके /n ऐसे करके दे सकते हो। ठीक है, चलो फिर से इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करके आपको दिखाते हैं एक बार। और देखिए, आपको यहाँ पे प्रोग्राम भी दिखाई देगा और रन भी होके दिखाई देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ gcc s1.c
हाइफन ओ उसके बाद एस वन, एंड देन मैंने यहाँ पर कंपाइल कर दिया, कोई एरर नहीं आई। रन करते हैं डॉट स्लैश एस वन से, तो देखिए एडिशन इज इक्वल टू 40 आ रहा इस तरीके से। नाउ अगर ये वैल्यू आप चेंज करना चाहते हैं तो ये चेंज भी कर सकते हैं। देखो मैं चेंज करता हूँ, मैं सपोज दैट यहाँ 10 की जगह सपोज दैट 60 दे दूँ, तो अब आंसर कितना आना चाहिए इसका, कितना आना चाहिए 60 30 90। तो चलो रन कराते हैं भाई, कंपाइल किया एंड देन रन किया, तो देखो क्या आ रहा है आंसर, एडिशन इज 90। तो बच्चों ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इसका दूसरा टाइप, फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू, और साथ में देखेंगे ये थर्ड वाला, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, ठीक है। थैंक यू।